एक गुना मेरा माँ पे देखन, एक गुना मेरा माँ पे देखन, देवन देश निकाला। लख गुना मेरा अल्लाह देखे परदे पावन वाला। लख गुना मेरा अल्लाह देखे परदे पावन वाला। मैं ना लड़िया कर ढोला, तेरे सेरिया नाल व्याई होइया, कदी साड़ी भी गल कोई सुन सजना, मैं ते वाजिया नाल व्याई होइया। मैं ते वावन करनम ग्राए दिल सुदुबराए गयम, मितवावन करनम ग्राए दिलस दुबराए। सरहदी जिला कपवाड़ा से मुंबई तक का सफर, आज की ये खास मुलाकात काबिल बुखारी के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काबिल बुखारी की, जिन्हें आपने YouTube और Facebook पर काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, इनके काफ़ी गाने सुने होंगे। और आज हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काबिल साहब। सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। काबिल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे आपने सोचा कि मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे गाना है? फैमिली से माहौल मिला था पहले, मेरे बड़े भैया भाभी गाते थे, अभी भी गाते हैं, तो मैं छोटा था, एक उनकी तरफ से एक मुझे माहौल मिला, तो धीरे धीरे मुझे खुद पता नहीं चला कब म्यूज़िक में आ गया। तो पहले ऐसा कुछ सोचा नहीं था हालांकि, लेकिन बाद में जब इन्होंने, मेरे भैया ने, भाभी ने, इन्होंने जब मेरा गाना सुना एक दिन, तो इनको अच्छा लगा और इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई थोड़ी कि भाई आप गा सकते हो, गाओ। इन्होंने हालांकि मुझे ये नहीं सजेस्ट किया कि आप एज ए प्रोफेशन लो म्यूज़िक को, लेकिन इन्होंने बोला कि गाया करो, हमारे साथ गाया करो, हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो तुम्हें भी मौका मिलेगा अगर तुम्हें शौक है गाने का। तो ऐसे धीरे धीरे चलता गया सिलसिला। बाद में फिर एक टाइम आया जब मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे इसी को प्रोफेशन बनाना है। काबिल साहब, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आपको लोगों की तरफ से, क्योंकि अक्सर मैं भी देखते रहता हूँ, आपके गाने सुनते रहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आपको लोगों की तरफ से। कैसा महसूस होता है जब सब लोग आपकी सपोर्ट करते हैं? देखिए, हर इंसान को खुशी होती है जब कोई भी इंसान कोई चीज़ में मेहनत करता है, तो अगर उस मेहनत का फल उसको मिल रहा है, लोगों की तरफ से मिलता है, तो हर इंसान को बहुत खुशी होती है, तो जाहिर सी बात है मैं भी बहुत खुश होता हूँ। काबिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत में पहला गाना स्टार्ट किया और उसके बाद से लेकर आज तक कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मुश्किलात के बिना तो कोई काम है ही नहीं, चाहे वो गाना हो या कोई भी काम हो, हर जगह चैलेंज तो होते ही हैं, तो आपको मुश्किलात का सामना करना है हर दिन। हमारी बाकी की ज़िंदगी में भी तो 10 तरह की मुश्किलात होती हैं, लेकिन हम ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ते, तो उसी तरह से आर्टिस्ट होना भी एक अलग लाइफ है, तो उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको उनको टैकल करना है। काबिल साहब, कहाँ कहाँ अभी तक आपने परफॉर्म किया है और आने वाले वक्त में क्या कुछ एम्स लेकर आप इस प्रोफेशन में आए? मैंने अभी काफ़ी जगह परफॉर्म तो करते ही रहते हैं हम, लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह, उसके अलावा मेरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे हैं मेरे गाने। और अभी इन फ्यूचर अभी मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर कुछ गाने लेके आया था जिनका शूट वगैरह हुआ है, पूरा एक महीने का ट्रिप था मेरा यहाँ पे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो सारे मंजर होंगे। काबिल साहब, चलो सैफुल मुल्क के जो आपके गाने हैं, जो उनके गाने आपने गाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं, उनका कोई गाना आप सुना दें। जी, सैफुल मुल्क कलाम जो मियां मोहम्मद बख्श साहब का है, मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला उनका कलाम गाने का, और लोगों ने बहुत पसंद किया वो, तो उसका एक शेर। एक गुना मेरा माँ पे देखन, एक गुना मेरा माँ पे देखन, देवन देश निकाला। लख गुना मेरा अल्लाह देखे परदे पावन वाला। लख गुना मेरा अल्लाह देखे परदे पावन वाला। जी, बहुत खूब, आपकी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा है कि हर किसी के दिल को बहा जाता है। कब सब पंजाबी में भी आप गाते हैं जी, तो कोई पंजाबी का कोई एक आधा गाने का एक आधा स्टेप हो जाए कोई? पंजाबी गाने काफ़ी सारे हैं तो आपका फेवरेट हो वही सुना।
काफ़ी सारे गाने हैं जो मैं गाता रहता हूँ शोज़ में, तो एक गाना भी मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐवें ना लड़िया कर ढोला तेरे सेरिया नाल व्याई होइयां, कदी साड़ी भी गल कोई सुन सजना, मैं ते वाजिया नाल व्याई होइयां, तू रात देर तक रब जाने किस सौकण दे कोल रहिंदा है, जे मैं डरदी डरदी पुछ बैठी तू वड खाण नू पैंदा है, ओ मेरी नणद मार दी नित ताने, मैं ते सस दी बहुत सताई हुई हां। बहुत 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 ही खूब काबिल साहब, कश्मीरी में भी आप गाते हैं, कश्मीरी का, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूं तो मेरी डिमांड पे एक आधा कश्मीरी हो जाए। ज़रूर, एक कंपोजिशन है जो मेरी अपनी कंपोजिशन और उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला लोगों की तरफ से, तो वही गाना चाहूँगा मैं। मैतवावन करनम ग्राय दिलस दुबराए गयम, मैतवावन करनम ग्राय दिलस दुबराए गयम, बे फिरम तिमस माय दिलस दुबराए गयम, बे फिरम तिमस माय दिलस दुबराए गयम, मैतवावन करनम ग्राय दिलस दुबराए गयम। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल साहब आपका। आखिर में काबिल साहब, उन नौजवानों के लिए कोई मैसेज जो जिनमें टैलेंट काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाते, उनके लिए कोई मैसेज हो जाए? देखिए, टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता, सबसे पहले तो टैलेंट अगर है उसको उसका पता होना चाहिए आपको कि है भी कि नहीं है। कई लोग होते हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ, कई लोग मैंने ऐसे सुने हैं ज़िंदगी में कि मतलब जो हाईली प्रोफेशनली ट्रेंड लोग जो होते हैं ना, उनसे भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं या बजाते हैं, लेकिन बाद जब उनको ये आती है कि भाई उन्होंने म्यूज़िक करना है लाइफ में, तो बहुत कैजुअल होते हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत लाइटली लेते हैं उस चीज़ को, या तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या है, या तो फिर उनके दिमाग में कुछ अलग तरह के कुछ माइंड सेट्स होते हैं उनके, मतलब उनके मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने टैलेंट को समझो, और दूसरी तरफ से कुछ और लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता होता म्यूज़िक का, कुछ पता नहीं होता ABCD, लेकिन फिर भी खामखा अपना शौक बहुत ज़्यादा पाल के रखा होता है, और उस गलत फहमी में वो अपने कई बार दूसरे टाइप का जो करियर होता है, जो बन सकता है उनका, वो भी ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने टैलेंट को समझ लो कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपको क्या करना चाहिए, और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद चैलेंजेस या हमें जी ये चीज़ नहीं है वो नहीं है, तो ये सब बहाने होते हैं, बहाने नहीं ढूंढिए, आपको आपने जब ठान लिया कि मैंने ये करना है तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए करके रहो बस। काबिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ काबिल बुखारी साहब, जिन्होंने ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर में बल्कि बैरून रियासतों में भी सिंगिंग की वजह से अपना लोहा मनवाया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।